हेलो, गुड मॉर्निंग। लेक्चर 22 इज फॉर बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2 यूनिट 1 सी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। इन कंटिन्यूशन ऑफ लेक्चर 21 टुडे वी विल सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर सी एच एच ओ एच। दिस इज द मॉलिक्यूल, राइट। ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल में किस तरह की अभिक्रियाएं संभव है, क्यों संभव है, इसके बारे में बात करें। तो पहली अभिक्रिया जो हम देखेंगे, क्लीवेज ऑफ हाइड्रोक्सी बॉन्ड, मतलब कि OH बॉन्ड का वो तोड़ना, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है और इसे हम किसी भी रिएजेंट से तोड़ सकते हैं। तो कुछ रिएक्शन जो है हम इसकी देखेंगे कि ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ हाइड्रोक्सी बॉन्ड। दूसरी जो रिएक्शन है वो ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, बिकॉज ये भी पोलर है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये माइनस नेगेटिव चार्ज, राइट। तीसरी रिएक्शन जो हम देखेंगे, मिसलेनियस रिएक्शन, मतलब पूरे मॉलिक्यूल को मतलब पूरे मॉलिक्यूल के द्वारा जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, मतलब ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर जो अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप अल्केन की तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेता है। तो सबसे पहले रिएक्शन जो मैं बताने जा रही हूँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में, ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। अब हम पहली रिएक्शन, रिएक्शन विथ अल्कली मेटल्स, रिएक्शन विथ अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम पोटेशियम, अल्कली अर्थ मेटल्स, मेटल हाइड्राइड्स, अभी किस तरह से अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट होता है। मैं जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ, अल्कोहल इट इज क्लीव्ड विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम। अगर दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और हमें अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड एंड इट विल लिबरेट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसी तरह से और भी रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल विथ टू पोटेशियम मॉलिक्यूल
अल्कली अर्थ मेटल के साथ भी हम रिएक्ट कर सकते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल प्लस मैग्नीशियम और कैल्शियम। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इस तरह से रिएक्ट होगा, आर ओ राइस मैग्नीशियम अल्कोक्साइड डाइऑक्साइड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इसी तरह से कैल्शियम के साथ रिएक्ट होगा और हमें मॉलिक्यूल मिलेगा। सिमिलरली अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है मेटल हाइड्राइड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं एंड इट विल लिबरेट आर ओ एलिमिनेट प्लस एच। अगर हम तीन मॉलिक्यूल्स आइसोप्रोपेनॉल के लें, ये मैं सारे एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करें तो एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड बनेगा ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है प्राइमरी अल्कोहल रख के भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, मैंने जनरल रिएक्शन लिखी है। अब यहाँ इन सब रिएक्शन में देखिए आप OH बॉन्ड टूट रहा है, क्लीव हो रहा है या टूट रहा है, यहाँ देखिए राइट। तो ये जो रिएक्शन है ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ मेटल हाइड्राइड्स हाइड्राइड्स के साथ देन अल्कली मेटल अल्कली अर्थ मेटल के साथ हम रिएक्शन देख रहे हैं। इससे एक चीज पता चलती है कि अल्कोहल जो है एसिडिक नेचर का होता है। कैसे होता है देखिए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, इस कारण से और मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन दे रहा है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि अल्कोहल जो है एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर हम वाटर के साथ कंपेयर करें राइट, ये अट्रैक्ट होता है, इट इज नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव, इट इज एसिडिक इन नेचर, वाटर इज एसिडिक इन नेचर। अगर हम अल्कोहल के साथ कंपेयर करें, अल्कोहल इज दिस मॉलिक्यूल टू कंपैरेटिवली देखें तो अल्कोहल जो है कम एसिडिक होते हैं वाटर की तुलना में ठीक है। तो ये जो है हम इससे एसिडिक नेचर भी मालूम कर सकते हैं। सेकंड रिएक्शन एसिडिफिकेशन रिएक्शन, अल्कोहल जो है एस्टर फॉर्म करता है, अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करें तो इट विल फॉर्म एस्टर। मैं जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ आर ओ एच एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इन तीनों के साथ अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो ये जो है OH बॉन्ड क्लीव होता है और इससे हमें कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलते हैं RO CO R- एस्टर RO अल्किल नाइट्राइड then R O alkyl sulfonic acid। तो ये जो है हमें corresponding यहां पर भी जो है OH bond टूट रहा है,
मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में एसिड ओएच जब एस्टिमेशन करते हैं अल्कोहल के साथ तो एसिडिक कंडीशन में किया जाता है आर सी ओ एच ओ एच। ये अपने जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बोकेटायन बना। अब ये जो कार्बोकेटायन है इसके साथ अल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा, अगर हम इसे आर डैश डैश कहें ताकि डिफरेंशिएट कर सकें आर ओ एच। अब ये कहाँ रिएक्ट होगा, बिकॉज इट हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये जो है कार्बन के साथ जुड़ेगा और हमें आर डैश सी ओ अब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस दे देगा माइनस एच प्लस, राइट, तो हमें मिलेगा आर डैश सी ओ एच ओ एच ओ आर। ठीक है, अब हम जानते हैं दिस इज अनस्टेबल, इट विल लिबरेट वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होने के बाद हमें जो है एस्टर मिलेगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। इसी तरह से जो नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल आर ओ एच एच एन ओ थ्री को हमने इस तरह से लिख लिया एंड यहां पर भी जो है आर ओ एन अल्किल नाइट्रेट। ठीक है, तो यहां पर भी जो है हमें अल्किल और इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन होती है। तो ये इसके मैकेनिज्म बिल्कुल उसी तरह से है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्लीव होता है, इसको हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, जो एस्टिफिकेशन रिएक्शन है उसमें आइसोटोप लेबलिंग कर आइसोटॉप लेवल, मतलब आइसोटॉप ऑक्सीजन का 18 लगा दिया आइसोटॉप के साथ हमने लेबलिंग कर दी और फिर हम जो है एस्टर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब एसिड के साथ। अब देखिए कि ये वाला ऑक्सीजन ही मतलब ये बॉन्ड ही टूटता है, ये साबित करने के लिए हमें जो प्रोडक्ट मिला आर ओ इससे मालूम चलता है कि वाकई में जो है अल्कोहल का OH बॉन्ड भी टूटता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म भी जो है आइसोटोप लेबलिंग से चेक की गई है। नेक्स्ट रिएक्शन एसाइलेशन रिएक्शन, अल्कोहल मॉलिक्यूल
मैं जनरल फॉर्मूला भी लिख रही हूँ एसिटाइल क्लोराइड के साथ एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। राइट, जब रिएक्ट करते हैं तो हमें आर ओ सी ओ सी एस थ्री एस्टर मिलता है प्लस एस सी एल। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी जब हम रिएक्ट करते हैं ओ सी ओ सी एस थ्री एस्टर मिलता है प्लस एसिटिक एसिड, तो इस रिएक्शन को एसिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन रिएक्शन में डाई अल्किल सल्फेट प्लस आर ओ एच, इसके साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है अल्किल सल्फेट प्लस, ये बॉन्ड टूट रहा है, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, सॉरी वन प्रोडक्ट वी आर गेटिंग ईथर नॉट सल्फेट आर ओ आर डैश। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है ईथर मिलेगा प्लस अनदर प्रोडक्ट अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। इस तरह से अल्कोहल जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट होकर अल्केन बनाता है। ग्रिग्नार्ड अल्कोहल मॉलिक्यूल आर एम जी एक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके साथ जब रिएक्ट होगा तो ये देखिए किस तरह से ये जो है हम जानते हैं इस माइनस प्लस माइनस। राइट, तो ये जो हाइड्रोजन है वो आर के साथ रिएक्ट होगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस तरह से बना दें आर डैश एच प्लस एम जी ओ आर एक्स, ये हमें क्या मिला कॉरस्पॉन्डिंग आल्केन। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी अल्कोहल रिएक्शन करके कॉरस्पॉन्डिंग आल्केन बनाता है। दिस इज द रिएक्शंस ड्यू टू cleavage of oxygen hydrogen bond. Next lecture we will take due to the cleavage of carbon oxygen bond and miscellaneous reaction. Thank you very much.